हेलो स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल एंड गुड एट योर होम। ओके, सो लास्ट वी हैव डन विद द एक्सरसाइज 10.4 ऑन विच वी हैव डन द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्वेश्चंस। देन फ्रॉम दैट फ्यू ऑफ देम आई हैव डन ओवर हियर एंड द रिमेनिंग वन यू हैव टू डू एट योर होम, राइट? ओके, सो आई गेस यू हैव ऑलरेडी डन विथ इट। देन अगर उसमें प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी, देन आई विल सेंड यू द सोल्यूशन ऑफ दैट। ओके ओके, सो नाउ लेट्स मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज द वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो लेट मी क्लियर विथ इट दैट वी हैव ऑलरेडी सीन द वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर द मेजरमेंट, बट दिस इज जस्ट मेनली फॉर द कन्वर्जन, राइट? वो सिर्फ कन्वर्जन के लिए थे, मेजरमेंट के कन्वर्जन के लिए थे, राइट? ओके, नाउ ओवर हियर वी हैव टू सी द वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर द मेजरमेंट, राइट? जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, दैट बट व्हाट इज द यूज ऑफ इट, राइट? सो ओवर हियर वी हैव वी विल सी द दिस आर द यूज फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मेजरमेंट। डन? Okay, before starting this one, I want to tell you the how you have to do it. Then, आपको वो कैसे करना है? Okay, so first of all, one thing you will do it that you will read the whole question at least 2 to 3 times. Then, पूरा का पूरा question आपको 2 से 3 बार at least आपको read करना है, भले ही आपको वो समझ में आ गया हो, भले ही आपको वो समझ में आ गया हो कि क्वेश्चन में क्या दिया है, देन ऑल्सो यू हैव टू रीड इट 2 to 3 टाइम्स, बिकॉज समटाइम्स यू विल मिस्टेक इन दैट कुछ इट इज़ नॉट क्लियरली, इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको क्लियरली नहीं दिया होगा कि आपको इसमें एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है। डन? सो समटाइम्स आपको लग रहा होगा कि इसमें एडिशन करना है, डन, बट ओरिजिनली उसमें सब्ट्रैक्शन करना रहेगा। डन? सो उसकी वजह से आपको पहले आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए क्वेश्चन का, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का, दैट यू विल रीड द वर्ड प्रॉब्लम्स 2 to 3 टाइम्स। ओके, देन आफ्टर द सेकंड स्टेप, जब आप रीड कर लोगे देन उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसमें यू हैव टू डू द एडिशन और यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन। देन सो अगर एडिशन करना रहेगा देन उसमें ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगा। देन तो आप किसी भी ऑर्डर में एडिशन कर सकते हो। देन मीन्स बड़े में से छोटा में से अगर वो दोनों का एडिशन करना है तो वो आप उसमें ऑर्डर की प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। बट इफ इट इज़ अ सब्ट्रैक्शन देन आपको वो ऑर्डर का प्रॉब्लम रहेगा, तो आपको वो उसी ऑर्डर में आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा जिसमें सब्ट्रैक्शन पॉसिबल रहेगा। देन बिकॉज बड़े में से छोटा माइनस करने का होगा, देन अगर आप बाय डिफॉल्ट अगर आपने भूल से भी अगर छोटे में से बड़ा माइनस करने की ट्राई की देन यू विल गेट नो आंसर, और अगर आप बाय डिफॉल्ट मिल भी जाए देन ऑल्सो दैट आंसर इज रॉन्ग। देन सो दिस इज द सेकेंड स्टेप दैट टू वॉट यू हैव टू वॉट शुड यू शुड हैव टू डू दैट इधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। देन आफ्टर थर्ड स्टेप, जो हमने एक्सरसाइज 10.4 किया उसमें आपको क्लियरली दे दिए थे ना कि दैट्स हाउ यू हैव टू डू द एडिशन एंड दैट्स हाउ यू हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन, तो उस वाले फॉर्म में आपको कन्वर्ट कर देना है, दैट मीन्स टेबल कॉलम्स वाले फॉर्म में आपको वो कन्वर्ट कर देना है। देन कॉलम्स वाले फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देन आफ्टर अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन है तो एडिशन करना है, राइट? देन आफ्टर लास्ट में आपको जो भी वॉट एवर द आंसर यू गॉट यू हैव टू राइट दैट आंसर इन टू द सेंटेंस फॉर्म। देन वो मैं आपको लिखवा दूंगा कि वो सेंटेंस फॉर्म में आपको आंसर कैसे लिख सकते हो, जो भी लास्ट में आंसर मिले। हम पहले 10.4 में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन किए थे उसमें हम डायरेक्टली जो भी आंसर मिलता था विल राइट दैट दिस इज द आंसर। देन बट इन दिस वन एज द क्वेश्चंस आर गिवन इन द वर्ड फॉर्म, देन मींस वर्ड प्रॉब्लम्स दिए, सो द आंसर ऑल्सो वी हैव टू राइट इन द वर्ड फॉर्म ओनली। डन? ओके,
Can I start the exercise 10.5? It is in page number 159. Chapter number 10, page number 159, exercise 10.5. Last exercise. On this exercise, there are 5 word problems are given. After 5, I will do 3. Then, 3 word problems I will do here. The remaining 2 word problems you have to do in your homework. Okay? बाकी के जो दो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आपको होमवर्क में करने रहेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्ड प्रॉब्लम. ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. सॉल्व बाय ड्रॉइंग द मॉडल्स. सो इसमें आपको मॉडल्स भी ड्रॉ करना है. ओके, व्हाट इज द मॉडल्स, तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा. डन, कि इसको किसको मॉडल्स किसको बोलते हैं. डन. ओके, now first one. Ravi has 5 kg and 60 gram apples. He bought 9 gram more apples. What is the total weight of apples with him? Then I am repeating the question again. रवि हैज 5 kg 60 gram एप्पल्स. दैट मीन्स उसके पास कितना एप्पल्स, उसके पास कितने हैं 5 kg एंड 60 gram एप्पल्स. ही बॉट 900 gram मोर एप्पल. उसने 900 gram और एप्पल परचेस किए. व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ एप्पल विथ हिम. अभी उसके पास टोटल वेट ऑफ एप्पल क्या होगा. दैट मीन्स टोटल वेट मांगा है. दैट मीन्स इसमें हमें क्या करना है, एडिशन करना है. अंडरस्टूड. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना रहेगा, एडिशन करना रहेगा. सो इस तरह से आपको पहले फाइंड करना है कि क्या करना है, एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है. ओके नाउ, ओके नाउ व्हाट इज द मॉडल. आई विल टेल यू व्हाट इज द मॉडल. वो मॉडल किसको बोलते हैं. ओके, now first question number 1. Okay, now I am drawing that 5 kg in the form of rectangle. Then this is the weight of the apples I have. Then to itne mere paas apple hai, kitne hai ye 5 kg एंड 60 ग्राम. और अभी कितने एप्पल और एड हुए सर, 90 ग्राम, सॉरी 900 ग्राम्स. तो 900 ग्राम्स मोर एप्पल्स आर एडेड. 900 ग्राम्स मोर एप्पल्स आर एडेड, इसको बोलते हैं मॉडल्स. तो अभी ये टोटल कितना हुआ, दैट इज द क्वेश्चन. दैट टोटल हाउ मच केजी और ग्राम्स आर एप्पल्स रवि हैज. डन. ओके, सो विल राइट इन द सेंटेंस फॉर्म एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. डन. ओके, सो first is Ravi has 5 kg is equals to how many he already has apple, 5 kg and 60 grams, right? And Ravi bought 5 kg he purchased, or how many kg he purchased apple. It's a 900 grams
then and we need to find the total weight of apple is equals to, so the total weight of apple is equals to what? We need to add them. 5 kg 60 gram plus 900 gram. Then this equals to somewhat answer will got. Then so इसको हमें क्या करना रहेगा? We need to write this form into the tabulation column में जो हम लिखते थे वो. Then so over here we'll write the kg and over here we'll write the gram, right? So 5 kg and how much gram? 60 gram. And over here we have a 900 gram plus 0 kg and 900 gram. Over here we have to put 10 there. So there has to be no any kind of error in the addition. Okay, now let's write the answer. 0 plus 0, 0, 6 plus 0, 6, 0 plus 9, 9, and 5 plus 0, 5. The answer is 5 kg and 960 gram. That answer we have to write over here. 5 kg and 960 gram. Understood? Okay. At last, we have to write the answer as a total weight of the apple Ravi has is, I'm writing the answer in the sentence form like over here, so that total weight of apple Ravi has is 5 kg and 960 gram. Done? So that's how you have to write with the model method. Then model method is इस तरह से आपको लिखना रहेगा. First you have to draw the model like this one. इस तरह से पहले आपको model बनाना है. Then after sentence form में जो भी data दिया है वो आपको लिखना है. और सेंटेंस फॉर्म में मिल जाने के बाद वो आपको टेबुलर फॉर्म में, दैट मींस कॉलम वाइज जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे उस तरह से लिखना है. एंड देन आफ्टर लास्ट यू हैव टू राइट द आंसर इन द सेंटेंस फॉर्म. अंडरस्टूड? ओके, नाउ लेट्स डू द सेकंड वन. नॉट द सेकंड वन, ओके, सेकंड वन. Okay, so question number second, Meera had 3 liter and 20 ml orange juice. She drank 700 ml from it. That means उसने उसमें से 700 ml पी लिया है. So how much orange juice is left with her? So means kitna orange juice uske paas abhi bacha rahega. Okay, now I am repeating again this one. Meera ke paas kitna orange juice hai? 3 liter and 20 ml, right? Usne usme se kitna pi liya hai? 700 ml. So abhi uske paas bacha kitna hoga? So abhi aise words aaye na ki have how many left, right? So this that has to be strike in your mind कि अभी इसमें subtraction ही आएगा, then कि अगर ऐसे words आए कि total करना है तो total means addition करना है, और ऐसे words आए कि आपको subtract means left कितना means बचेगा कितना, that means subtraction करना है, right? Okay. Okay, let's do it with this model method.
Okay, so first you have to do the model. So she has a 3 liter and 20 ml orange juice, right? So we'll draw it likewise. So this much orange juice she has total. It's a 3 liter and 20 ml, right? I am drawing it light. You will get the idea why I am doing it like that. Okay, next. She drank 700 ml from it. That means, let's say कि इतना उसने उसमें से पी लिया है. See, मैंने इसी की अंदर ही दूसरा portion draw किया है. क्यों? Because मुझे वो उसी में से ही पी रही है ना. Done. So इतना orange juice उसने ड्रिंक कर लिया, डन. दैट मींस दिस मच ऑरेंज जूस है, इसमें से इतना निकल गया. तो अभी फाइंड हमें कितना करना रहेगा, ये जो बाकी बचा वो, डन. सो ये कितना बचेगा, राइट? ओके, नाउ लेट्स राइट द आंसर इन द सेंटेंस फॉर्म. मीरा है, सॉरी, ऑरेंज जूस मीरा हैज इज इक्वल्स टू 3 लीटर एंड 20 ml. Right now, orange juice Meera drink. Yes, वो कितना पी गई? That is about 700 ml. Now, orange juice. Left with Meera is equals to, obviously the subtraction of both of them, 3 liter 20 ml minus 700 ml. So that last answer we'll write over here. Okay, first we have to do this into the tablet form. Over here, liter ml, 3 liter 20 ml, and 0 liter and 700 ml. Why 0 liter? Because 700 ml वो पी गई है. Then, so that much only we have to subtract. Over here, I'll put the 0. There is no confusion in the subtraction. Okay, now. 0 minus 0, 0, 2 minus 0, 2, 0 minus 7 cannot possible, so we have to cut this 3 and make it 2. Over here we are done with the 10, so 10 minus 7 remain with 3. Now 2 minus 0, 2, so 2 liter and 320 ml, done. So this is that, this much liter of means itna liter drink, but means juice bachega. Then the answer is 2 liter and 320 ml. Then at last you have to write the answer in the sentence form also, as I said to you earlier also. Then so from that the orange juice left with Meera is 2 liter
and 320 ml. Right? That's how the answer you will write at last. Then, if it is not seen properly, then this is the answer. Then, this is the sentence. Okay, so this is the second one. Okay, now I am doing the last question. Which is question number 5. Question number 3 and 4. You have to do in the homework as like I have done over here. Done? Okay, question number 5. Last question. Question number 5 is little bit tricky, so pay attention in this one. In a bicycle race, Arun traveled 2 km and 10 meter more than Anil. If Arun travels 16 km, find the distance traveled by Anil. Okay. See, as I said, this question is little bit tricky. In bicycle race mein, Arun travel 2 km and 10 meter more than Anil. That means Arun ne zyada travel kiya hai. Kitna zyada travel kiya hai? 2 km and 10 meter. किससे? अनिल से. That means अनिल ने कम ट्रैवल किया है, अरुण ने ज्यादा ट्रैवल किया है. और कितना ज्यादा ट्रैवल किया है? 2 किलोमीटर एंड 10 मीटर, उतना ज्यादा ट्रैवल किया है. अभी ये अरुण ने अगर 16 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो अनिल ने कितना ट्रैवल किया होगा? देन तो अनिल ने कितना ट्रैवल किया होगा? अरुण ने अनिल से 2 किलोमीटर एंड 10 मीटर ज्यादा ट्रैवल किया है. अभी अरुण ने अगर 16 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो अरुण ने कितना ट्रैवल किया होगा? ऑब्वियसली अरुण ने जो अनिल ने जो अरुण ने जितना ट्रैवल किया है देन अनिल ने जितना सॉरी अरुण ने जितना ट्रैवल किया उससे 2 किलोमीटर एंड 10 मीटर कम ही ट्रैवल किया होगा. देन सो दैट मींस इन दिस वन वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन. देन आई एम रिपीटिंग अगेन कि किस तरह से क्वेश्चन दिया है. अरुण ने 16 किलोमीटर ट्रैवल किया है, उल्टे से मैं करवा रहा हूँ. देन अरुण ने 16 किलोमीटर ट्रैवल किया है और अरुण ने अनिल से ज्यादा ट्रैवल किया है. अरुण ने अनिल से ज्यादा ट्रैवल किया है, उसने कितना ज्यादा ट्रैवल किया है? 2 किलोमीटर एंड 10 मीटर. 2 किलोमीटर एंड 10 मीटर उसने अनिल से ज्यादा ट्रैवल किया है. तो अनिल ने कितना ट्रैवल किया होगा? जितना अरुण ने किया है उससे 2 किलोमीटर एंड 10 मीटर कम किया होगा. राइट अभी अरुण ने कितना ट्रैवल किया है? 16 किलोमीटर. सो अगर 16 किलोमीटर में से हम 2 किलोमीटर एंड 10 मीटर माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अनिल ने जितना ट्रैवल किया है वो. डन. ओके नाउ लेट्स सो इन दिस वन we have to do the subtraction. Okay, can I let first draw the model. So for example, this is the travel distance by the Arun. Then अरुण ने इतना ट्रैवल किया, अभी उसने कितना ट्रैवल किया है? 16 किलोमीटर, ये पूरा उतना उसने ट्रैवल किया है. अभी अरुण ने अनिल से कितना ट्रैवल किया है? लेट्स सी दैट कि ये अरुण ने ट्रैवल किया है लेट्स से कि अरुण ने इतना ही ट्रैवल किया है. अरुण ने इतना ही ट्रैवल किया है, ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है. मीन्स अनिल ने कितना ट्रैवल किया है वो हमें नहीं पता है, ये कितना डिस्टेंस है वो हमें नहीं पता है. बट हमें ये डिस्टेंस पता है. राइट कि ये हमें डिस्टेंस पता है कि अनिल ने इतना मीन्स अरुण ने इतना ज्यादा ट्रैवल किया है. मीन्स इतना ज्यादा ट्रैवल किया है ना उसने. सो ये वाला डिस्टेंस जो है वो हमें पता है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है. राइट ये वाला डिस्टेंस कितना है? इट इज अ 2 किलोमीटर एंड
10 meter, right? Okay, so we'll write this in the sentence form now. Arun travel, distance travel by Arun is equals to 16 kilometer. Okay, now let's write the distance travel more by Arun than Anil. Then say properly, distance travel more by Arun than Anil means ki Arun ne kitna zyada distance travel kiya hai Anil se. That is given as a 2 kilometer and 10 meter. So at last we want the answer as a 2 kilometer and 10 meter. Then हमें आंसर में क्या चाहिए कि अनिल ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, तो वो अरुण ने जितना ज्यादा ट्रैवल किया है वो अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा. दैट मींस 16 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर एंड 10 मीटर. देन इन आवर लास्ट ओवर हियर वी विल गेट द आंसर ऑफ दिस वन. ओके, सो ओवर हियर फर्स्ट वी हैव टू पुट दैट इन द टेबलेट फॉर्म. किलोमीटर मीटर 16 किलोमीटर and 0 0 meter, and over here it's a 2 kilometer and 10 meter, and we need to do the subtraction. Now let's do the subtraction. 0 minus 0 0, 0 minus 1 cannot be possible, so 6 is cut, it become 5. You have to take the borrow as from the 6, and the 0 becomes 10 now. So 10 minus 1 9, 5 minus 2 3, 1 minus 0 1, so 13 kilometer and 90 meter. Done. Sorry, I had done the little mistakes over here. As this is in the meter, so I have to put 3 zeros over here. Done. I have to put 3 0 over here. Why? Because in the meter we have to put the 3 0, and over here it is a 10 meter. Then so now I can subtract it. Then because between the difference between these two are thousands. Then kilometer or meter ke beech mein jo variation hai, means relation hai, wo thousand ka hai. तो हमें इस तरह से 3 0 पुट करने पड़ेंगे पढ़ने में. ठीक है. ओके, नाउ आंसर में बहुत चेंजेस नहीं आएगा. दिस इज द 0, दिस वन इज 9, दिस वन इज 10, सो 10 माइनस 9 9 9 मीटर. डन. ओके, सो दैट्स हाउ यू विल गेट द आंसर एज अ 13 किलोमीटर एंड 990 meter. Done. Okay, now let's write that answer in the sentence form. 13 kilometer and 990 meter, so distance traveled by Anil is 13 kilometer 990 meter. Then okay, so that's how you have to do the word problems. Then okay, so that's it from my side.
two questions are remaining, 3 and 4. Then don't forget to write this model word, my sentence, and then after the tables, and at last you have to write the sentence form also. Done? Okay, so that's it for today. From today, the chapter number 10 is completed. From the next lecture, we'll start the new chapter. Okay, bye.